बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम समीउल्लाह, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स एट डीपीएस एंड इंटर कॉलेज साहिबा। लेट्स स्टार्ट आवर टुडे लेसन। स्टूडेंट्स, आवर लेसन इज अबाउट चैप्टर नंबर 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्सरसाइज 1.4। आज हम एक्सरसाइज 1.4 के रिमेनिंग क्वेश्चन 7 to 11 डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आज के लेसन से रिलेटेड मैंने जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स सेट किए हैं कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद स्टूडेंट्स को इस काबिल होना चाहिए, स्टूडेंट शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिकल इक्वेशन, एंड स्टूडेंट हैव मस्ट स्ट्रॉन्ग ग्रिप to solve problems of radical equations. First of all, we discuss previous knowledge, radical equation. An equation involving algebraic expression under the radical sign is called radical equation. Dear student, यहाँ पर radical sign जो है वो सिर्फ square root ही नहीं है बल्कि तमाम तरह के roots, cube root, fourth root, fifth root एंड nth रूट, तमाम तरह के रूट्स हमारे पास रेडिकल साइन कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखें, स्केयर रूट ऑफ x प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5 एंड स्केयर रूट ऑफ x प्लस 4 इज इक्वल टू x माइनस 2। बेटा ये दोनों हमारे पास रेडिकल इक्वेशंस हैं। एक्सट्रेनियस रूट अ पर्टिकुलर वैल्यूज ऑब्टेन्ड इन द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग एन इक्वेशन दैट डज नॉट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन इस कॉल्ड एक्सट्रीनियस रूट्स। बेटा वो रूट्स, वो वैल्यूज जो हम रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद वो वैल्यूज जो हम गेट करते हैं, अगर वो हमारी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करें, वो वैल्यूज हमारे पास एक्सट्रीनियस रूट्स कहलाते हैं। टाइप्स ऑफ रेडिकल इक्वेशन। स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस थर्ड टाइप एंड फोर्थ टाइप ऑफ रेडिकल इक्वेशन। थर्ड टाइप, स्केयर रूट ऑफ एक्स प्लस ए प्लस स्केयर रूट ऑफ एक्स प्लस बी इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ एक्स प्लस सी। फोर्थ टाइप इज स्केयर रूट ऑफ एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस एम प्लस स्केयर रूट ऑफ एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस एन इज इक्वल टू क्यू। स्टूडेंट्स, थर्ड टाइप के अंदर हमारे पास लीनियर एक्सप्रेशन आ रहे हैं अंडर द रेडिकल साइन, एंड फोर्थ टाइप के अंदर हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ रहे हैं अंडर द रेडिकल साइन। तो आज हम इन दोनों टाइप्स को, दोनों टाइप्स की तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। आइए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट एक्सरसाइज 1.4, डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7। 11, स्क्वायर रूट ऑफ 11 माइनस एक्स माइनस स्केयर रूट ऑफ 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ 27 माइनस एक्स। स्टूडेंट, दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ रेडिकल इक्वेशन। सॉल्यूशन, वी आइसोलेट द रेडिकल साइन। रेडिकल साइन ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्केयर ले लेंगे दोनों तरफ। स्केयर रूट ऑफ 11 माइनस एक्स माइनस स्केयर रूट ऑफ 6 माइनस एक्स होल स्केयर इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ 27 माइनस एक्स होल स्केयर। वी ओपन द स्केयर, ए माइनस बी होल स्केयर, स्केयर रूट ऑफ 11 माइनस एक्स स्केयर प्लस स्केयर रूट ऑफ 6 माइनस एक्स होल स्केयर माइनस टू स्केयर रूट ऑफ 11 माइनस एक्स डॉट स्केयर रूट ऑफ 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा एंड 27 माइनस एक्स आ जाएगा हमारे पास। बेटा इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड पे भी स्केयर स्केयर रूट से ख़त्म हो जाएंगे। 11 माइनस एक्स प्लस 6 माइनस एक्स एज इट माइनस 2 इंटू स्केयर रूट ऑफ 11 माइनस एक्स डॉट स्केयर रूट ऑफ 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स एज इट आ जाएंगे। वी ऐड 11 प्लस 6 इज इक्वल टू 17 एंड माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x एंड माइनस टू स्केयर रूट ऑफ 11 माइनस एक्स इंटू सिक्स माइनस एक्स। 11 माइनस एक्स एंड 6 माइनस एक्स को एक स्केयर रूट के अंदर लिख लेंगे,
is equal to 27 minus x as it. Minus 2 into square root of 11 minus x into 6 minus x. Students, आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा? 11 6 are 66 minus 11 x minus 6 x minus minus plus x x are x square is equal to 27 minus x as it plus 17 right hand side की तरफ आके minus 17 minus 2 x right hand side की तरफ आके plus 2 x हो जाएगा. Now we write again minus 2 square root of 66 minus 17 x plus x square minus 11 x minus 6 x is equal to minus 17 x हो जाएंगे. राइट हैंड साइड की तरफ हमारे पास क्या बनेगा? 27 माइनस 17 इज इक्वल टू 10 प्लस प्लस 2x एंड माइनस x इज इक्वल टू प्लस x. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास अभी भी रेडिकल साइन मौजूद है. रेडिकल साइन को अगेन ख़त्म करने के लिए वी स्केयर ऑन बोथ साइड. स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, स्केयर ले लेंगे दोनों तरफ. बेटा स्केयर ओपन करेंगे तो हमारे पास माइनस टू इज इक्वल टू फोर हो जाएगा और स्केयर रूट टू से कैंसिल हो जाएगा. बाकी वैल्यू एज इट आ जाएगी, इज इक्वल टू टेन प्लस एक्स होल स्केयर हो जाएगा. इसको ओपन करेंगे तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी. फोर इंटू 66 माइनस 17 एक्स प्लस एक्स स्केयर इज इक्वल टू 10 स्केयर इज इक्वल टू 100 प्लस एक्स स्केयर प्लस 2 इंटू 10 इंटू एक्स. नाउ 4 को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 264 प्लस 4 एक्स स्केयर इज इक्वल टू 100 प्लस एक्स स्केयर प्लस 20x. डियर स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड की तमाम वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके आएंगे. 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 68x माइनस 20x प्लस 264 एज इट प्लस 100 लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आके माइनस 100 हो जाएगा इज इक्वल टू 0. आफ्टर एडिंग वी गेट 3x स्क्वायर माइनस 88x प्लस 164 इज इक्वल टू 0. ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू माइनस 88, सी इज इक्वल टू 164. डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो वी यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला. एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a. कंपेयर ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू माइनस 88 एंड सी इज इक्वल टू 164. वी सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इन क्वाड्रेटिक फार्मूला. एक्स इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस 88 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 88 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 164 ओवर 2 इंटू 3. After solving we get x is equal to 88 plus minus square root of 77 44 minus 19 86 over 6. Again beta isko solve karenge. X is equal to plus minus 88 plus minus square root of 57 76 over 6 aa jayega. स्केयर रूट ख़त्म करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? x इज इक्वल टू 88 प्लस माइनस 76 ओवर 6. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्लस माइनस आ रहा है तो इन वैल्यूज़ को हम एक दफ़ा प्लस के अंदर लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस के अंदर लिखेंगे. सो वी राइट x इज इक्वल टू 88 माइनस 76 ओवर 6. 88 माइनस 76 इज इक्वल टू 12 ओवर 6 डिवाइडेड बाय 6. बेटा कटिंग कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू 2 आ जाएगी एंड x इज इक्वल टू 88 प्लस 76 ओवर 6. आफ्टर एडिंग 88 प्लस 76 वी गेट 164. x इज इक्वल टू 164 ओवर 6. कटिंग करने के बाद
x इज इक्वल टू 82 ओवर 3 हमारे पास आ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास रेडिकल इक्वेशन की वैल्यूज़ आ गई हैं। सो वी चेक दीज वैल्यूज़ आर सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन और एक्सट्रीनियस रूट। क्या ये हमारे पास एक्सट्रीनियस रूट्स हैं या हमारी गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं? सो वी चेकिंग नाउ, पुटिंग x इज इक्वल टू 82 ओवर 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर 82 ओवर 3 पुट कर लेंगे, जहां पर x आ रहा है 11 माइनस 82 ओवर 3 माइनस के रूट ऑफ 6 माइनस 82 ओवर 3 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे पुट करेंगे, स्केयर रूट ऑफ 27 माइनस 82 ओवर 3। डियर स्टूडेंट, वी टेक एलसीएम, स्केयर रूट एलसीएम हमारे पास 3 आ जाएगा, स्केयर रूट 33 माइनस 82 ओवर 3 माइनस स्केयर रूट ऑफ 18 माइनस 82 ओवर 3 इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ 81 माइनस 82 ओवर 3। तो 11 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 33 आ जाएगा। इसी तरह 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 माइनस 82 ओवर 3 27 को राइट हैंड साइड पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 27 3s are 81 माइनस 82 ओवर 3। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट स्केयर रूट माइनस 49 ओवर 3 माइनस स्केयर रूट ऑफ माइनस 64 ओवर 3 इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ माइनस 1 ओवर 3। वी हैव नेगेटिव साइन अंडर द रेडिकल, तो रेडिकल साइन के अंदर जब हमारे पास माइनस आ जाता है, नेगेटिव साइन आ जाता है, तो उसको ख़त्म करने के लिए हम बाहर क्या लगाते हैं, आयोटा। 49 को सॉल्व करेंगे, 49 का स्केयर 7 आयोटा बन जाएगा ओवर 3 स्केयर रूट एज इट माइनस 64 का स्केयर रूट 8 आयोटा ओवर 3 एज इट इज इक्वल टू आयोटा ओवर 3 स्केयर रूट माइनस 1 इज इक्वल टू आयोटा ओवर 3 स्केयर रूट। डियर स्टूडेंट्स, अगेन हम इसका एलसीएम लेंगे, 3 स्केयर रूट हमारा एलसीएम आ जाएगा, 7 आयोटा माइनस 8 आयोटा एज इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एज इट आ जाएगी। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट माइनस आयोटा ओवर 3 स्केयर रूट इज इक्वल टू आयोटा ओवर 3 स्केयर रूट। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ट्रू नहीं है, विच इज़ नॉट ट्रू। सो एक्स इज इक्वल टू 82 ओवर 3 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। नाउ वी चेक बाय पुटिंग एक्स इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर जहां पर एक्स आ रहा है वहां पर 2 पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, स्केयर रूट ऑफ 11 माइनस 2 माइनस स्केयर रूट ऑफ 6 माइनस 2 इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ 27 माइनस 2। आफ्टर सॉल्विंग 11 माइनस 2 इज इक्वल टू 9 स्केयर रूट माइनस 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 स्केयर रूट इज इक्वल टू 27 माइनस 2 इज इक्वल टू 25 स्केयर रूट। 9 स्केयर इज इक्वल टू 3 माइनस 4 स्केयर इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 25 स्केयर रूट इज इक्वल टू 5। 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, राइट हैंड साइड पे 5 एज इट आ जाएगा विच इज नॉट ट्रू। डियर स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू 2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। सो दीज वैल्यूज आर एक्सट्रीमियस रूट्स। So solution set of this equation is empty set. Now students, start question number 8. Square root 4a plus x minus square root a minus x is equal to square root of a. Solution beta dekhein, ye bhi humara type number 3 ka question hai. Squaring on both side karenge. Beta, ye humare paas kya aajayega, square root 4a plus x minus square root of a minus x whole square is equal to right hand side ki beta scaling. Beta, ye humare paas formula ho jayega a minus b whole square. Isko open karenge to kya banega, a ka square plus b square minus 2ab is equal to square se square root khatam ho jayega to humare paas is equal to a aajayega. बट इसको सॉल्व करेंगे तो स्केयर से स्केयर रूट ख़त्म होने के बाद 4a प्लस एक्स प्लस स्केयर रूट अगेन बेटा स्केयर से ख़त्म हो जाएगा तो a माइनस एक्स एज इट आ जाएगा माइनस 2 4a प्लस एक्स इंटू a माइनस एक्स
इसको बेटा एक स्क्वेयर रूट के अंदर लिख लेंगे, इज इक्वल टू ए एज इट, 4a प्लस ए 5 इज इक्वल टू 5a, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बेटा क्या आएगा डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या आएगा माइनस टू इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 4a स्क्वेयर माइनस 4ax प्लस ax माइनस एक्स स्क्वेयर। ये बेटा हमारे पास कैसे आएगा स्टूडेंट्स, स्क्वेयर रूट ऑफ 4a प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो विच इज़ इक्वल टू 4a स्क्वेयर माइनस 4x प्लस ax माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू a। 5a को बेटा हम राइट हैंड साइड की तरफ ले जाएंगे, उसका साइन उधर जाके माइनस 5a हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 2 इंटू माइनस 2 स्क्वेयर रूट ऑफ 4a स्क्वेयर माइनस 3ax माइनस एक्स स्क्वेयर। बेटा माइनस 4x 4ax प्लस ax को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा माइनस 3ax इज इक्वल टू a माइनस 5a विच इज इक्वल टू माइनस 4a। बेटा दोनों तरफ डिवाइडेड बाय माइनस 2 कर देंगे, माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा और डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर माइनस 3ax माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर चेक करें तो हमारे पास अभी भी रेडिकल साइन मौजूद है, तो इसको ख़त्म करने के लिए अगेन स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्केयर ले लेंगे, स्केयर से स्केयर रूट ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 3ax माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, 2a स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर हो जाएगा। मतलब सारी लेफ्ट हैंड साइड को उठा के आप राइट हैंड साइड तक ले जाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 3ax राइट तरफ आके प्लस 3ax हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर राइट हैंड साइड तरफ आके प्लस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज हो जाएंगे इज इक्वल टू 0, प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3ax इक्वल टू 0। टेकिंग कॉमन x फ्रॉम एक्स स्क्वायर प्लस 3ax इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 3a इक्वल टू 0। अब या तो बेटा x इज इक्वल टू 0 है और या x प्लस 3a इक्वल टू 0 है, दोनों को 0 को इक्वल लिख लेंगे तो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस 3a हमारे पास आ जाएगा बेटा आंसर, वैल्यूज़ आ जाएंगी x की। अब हमने ये दोनों वैल्यूज़ चेक करनी है क्या ये हमारे क्वेश्चन के सॉल्यूशंस हैं या एक्सट्रीनियस रूट्स हैं, तो बेटा उसको हम चेक करने के लिए पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। क्वेश्चन नंबर 1 ले ली, उसमें जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 0 पुट कर लें, 4a प्लस 0 माइनस स्क्वायर रूट a माइनस 0 इज इक्वल टू a स्क्वायर रूट, 4a स्क्वायर रूट इक्वल टू 2 इंटू a स्क्वायर रूट माइनस a स्क्वायर रूट एज इट आ जाएगा इक्वल टू a स्क्वायर रूट, बेटा राइट हैंड साइड तरफ जो है वो भी एज इट आ जाएगा, 2a स्क्वायर रूट में से माइनस a स्क्वायर रूट सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा ए स्क्वायर रूट इक्वल टू राइट हैंड साइड का बेटा जो इसके रूट है वो भी एज इट आ जाएगा, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। एक्स इज इक्वल टू 0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 1। नाउ वी चेक बाय पुटिंग एक्स इज इक्वल टू माइनस 3a इन इक्वेशन 1, जहाँ जहाँ पर x है बेटा वहाँ पर माइनस 3a पुट कर लेंगे, 4a प्लस x है तो माइनस 3a पुट करेंगे तो प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, 4a माइनस 3 हो जाएगा माइनस a माइनस एक्स है, यहाँ पर बेटा x की जगह माइनस 3a पुट करेंगे तो प्लस 3a हो जाएगा, a प्लस 3a इक्वल टू a स्क्वायर रूट एज इट, 4a माइनस 3a सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास a स्क्वायर रूट आ जाएगा माइनस a प्लस 3a, ऐड होके बेटा क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4a इक्वल टू राइट हैंड साइड एज इट, माइनस ए स्क्वायर रूट एज इट माइनस 4a स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर रूट इक्वल टू राइट हैंड साइड एज इट, बेटा माइनस 2a स्क्वायर रूट में से a स्क्वायर रूट सब्ट्रैक्ट ऐड करेंगे, a स्क्वायर रूट माइनस 2a स्क्वायर रूट 2a स्क्वायर रूट बेटा इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर रूट,
ए स्क्वेयर रूट माइनस टू इंटू ए स्क्वेयर रूट, इनको बेटा जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस ए स्क्वेयर रूट एंड राइट हैंड साइड एज इट, तो बेटा विच इज़ नॉट ट्रू, ये दोनों साइड्स इक्वल नहीं हैं, सो एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री ए इज़ नॉट अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन, सो दिस इज़ अ एक्सट्रीनियस रूट और हम इसको सोल्यूशन सेट के अंदर नहीं लिखेंगे, सो सोल्यूशन सेट इज़ ओनली हमारा क्या आ जाएगा, जीरो। नाउ स्टूडेंट वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11। स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस थ्री एक्स प्लस नाइन प्लस स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर इक्वल टू फाइव। हम इसका सोल्यूशन देखते हैं, स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस थ्री एक्स प्लस नाइन प्लस स्केयर रूट ऑफ एक्स स्केयर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू फाइव। बेटा आप नोट करें तो जो फर्स्ट टू टर्म्स रेडिकल साइन के अंदर आ रही हैं एक्स स्केयर प्लस थ्री एक्स, वही हमारे पास सेकेंड रेडिकल साइन के अंदर भी वही दोनों टर्म आ रही हैं, सो बेटा हम इसको y के इक्वल पुट कर लेंगे, पुटिंग एक्स स्केयर प्लस थ्री एक्स इक्वल टू y इन इक्वेशन वन, हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा, स्केयर रूट y प्लस नाइन प्लस स्केयर रूट y प्लस फोर इक्वल टू फाइव, स्केयर रूट ऑफ y प्लस नाइन इक्वल टू फाइव माइनस स्केयर रूट ऑफ y प्लस फोर। बेटा मैं लेफ्ट हैंड साइड से y स्केयर रूट y प्लस फोर राइट हैंड साइड की तरफ लेके आ गया हूँ, तो अब मैं स्केयर रूट ख़त्म करने के लिए रेडिकल साइन ख़त्म करने के लिए मैं टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड करूँगा, दोनों तरफ हमने स्केयर ले लिया, स्केयर रूट से स्केयर ख़त्म हो जाएगा और राइट हैंड साइड की तरफ हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा e माइनस बी होल स्केयर, इसको ओपन करेंगे ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी, बेटा फाइव स्केयर फाइव का स्केयर हो जाएगा और प्लस वाई प्लस फोर का स्केयर रूट जो है वो स्केयर से ख़त्म हो जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास क्या आ जाएगा वाई प्लस फोर माइनस टू ए की जगह पे फाइव है, टू इंटू फाइव इंटू वाई स्केयर रूट ऑफ वाई प्लस फोर। अगेन इसको बेटा सॉल्व करते हैं, आगे देखें वाई प्लस नाइन इक्वल टू फाइव स्केयर इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव प्लस वाई प्लस फोर एज इट माइनस टू फाइव आर टेन एंड स्केयर रूट ऑफ वाई प्लस फोर एज इट आ जाएगा। अगेन वाई प्लस नाइन एज इट माइनस ट्वेंटी फाइव राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आके माइनस हो जाएगा एंड माइनस वाई माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस टेन इन टू स्केयर रूट वाई प्लस फोर राइट हैंड साइड की तरफ एज इट रहने देंगे, प्लस वाई माइनस वाई से स्टूडेंट्स कैंसिल हो जाएगा एंड प्लस नाइन माइनस ट्वेंटी फाइव माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस ट्वेंटी एंड राइट हैंड साइड एज इट आ जाएगी। डियर स्टूडेंट माइनस टेन पे बोथ साइड्स हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, टू इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ वाई प्लस फोर। अभी भी हमारे पास रेडिकल साइन मौजूद है, सो हम रेडिकल साइन ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड करेंगे, अगेन स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे स्केयर लेंगे और राइट हैंड साइड पे भी स्केयर लेंगे, टू स्केयर इज इक्वल टू फोर स्केयर रूट टू से स्केयर रूट स्केयर से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा वाई प्लस फोर। नौ बेटा प्लस फोर को लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके आ जाए, फोर माइनस फोर इज इक्वल टू वाई, फोर माइनस फोर इज इक्वल टू ज़ीरो, सो वाई की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो आ जाएगी। अब हमने बेटा वाई की वैल्यू पुटिंग करनी है जो हमने लेट किया था, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स इज इक्वल टू वाई हमने जो पुट किया था उसके अंदर हमने वाई की वैल्यू पुट करेंगे, पुट वाई इज इक्वल टू ज़ीरो इन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स इज इक्वल टू वाई, बेटा जहाँ पर वाई है वहाँ पर ज़ीरो पुट करके हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वी टेक कॉमन एक्स फ्रॉम एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, एक्स कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा एक्स इंटू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। अब बेटा हमने दोनों को ज़ीरो के इक्वल लिख लेना है, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो और एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो, तो एक वैल्यू हमारे पास एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगी और एक वैल्यू एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो बेटा प्लस थ्री है राइट तरफ जाके हमारे पास माइनस थ्री हो जाएगा तो एक्स की वैल्यू इज इक्वल टू माइनस थ्री आ जाएगी।
Now we check these values are solution of given equation or या हमारे पास extraneous root हैं या हमारे पास solution of given equation है. Checking put x is equal to 0 in equation 1, बेटा equation number 1 ले लें और उसके अंदर हमारे पास जहाँ जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर हम 0 put कर देंगे. Substitute कर दिया x is equal to 0, 0 plus 3 into 0 plus 9 plus k root 0 plus 3 into 0 plus यहाँ पर बेटा x आ रहा है और रेडिकल साइन के अंदर जहाँ जहाँ पर x आ रहा है वहाँ वहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे, 0 plus 3 into 0 plus 9 plus 0 plus 3 into 0 plus 4 is equal to 5 राइट हैंड साइड की तरफ एज इट आ जाएगा. बेटा फर्स्ट भी जीरो हो जाएगा प्लस थ्री भी जीरो हो जाएगा तो हमारे पास प्लस नाइन स्केयर रूट रह जाएगा प्लस फोर स्केयर रूट इज इक्वल टू फाइव एज इट. नाइन स्केयर रूट इज इक्वल टू थ्री प्लस फोर स्केयर रूट इज इक्वल टू टू इज इक्वल टू फाइव. टू प्लस थ्री इज इक्वल टू फाइव एंड राइट हैंड साइड की तरफ फाइव एज इट आ जाएगा. सो बेटा हमारा एक्स इज इक्वल टू जीरो पुट करने से हमारा क्वेश्चन सेटिस्फाई हो रही है लेफ्ट और राइट हैंड साइड, सो विच इज़ ट्रू. सो हम कहेंगे कि x इज इक्वल टू जीरो इज़ अ सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन. नाउ वी चेक x इज इक्वल टू बाय पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस थ्री इन इक्वेशन वन. स्केयर रूट ऑफ एक्स स्केयर प्लस थ्री एक्स प्लस नाइन प्लस स्केयर रूट ऑफ एक्स स्केयर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू फाइव आ रहा है वहाँ वहाँ पर माइनस थ्री पुट कर दिया. माइनस थ्री का स्केयर हमारे पास नाइन हो जाएगा प्लस माइनस माइनस थ्री थ्री आर माइनस नाइन प्लस नाइन एज इट प्लस स्केयर रूट माइनस थ्री का स्केयर प्लस नाइन प्लस माइनस माइनस थ्री थ्री आर नाइन प्लस फोर एज इट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड की तरफ फाइव आर है वो भी एज इट आ जाएगा. प्लस नाइन माइनस नाइन दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास नाइन स्केयर रूट प्लस नाइन माइनस नाइन बेटा इस रेडिकल साइन के अंदर भी कैंसिल हो जाएंगे तो प्लस फोर स्केयर रूट प्लस इज इक्वल टू फाइव आ जाएगा. थ्री स्केयर नाइन स्केयर रूट इज इक्वल टू थ्री प्लस फोर स्केयर रूट इज इक्वल टू टू राइट हैंड साइड की तरफ बेटा फाइव है जी. थ्री प्लस टू इज इक्वल टू फाइव इज इक्वल टू राइट हैंड साइड की तरफ फाइव जो आ रहा है बेटा वो एज इट आ जाएगा. माइनस थ्री ने भी हमारा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है सो बेटा हम कहेंगे कि ये भी हमारी एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री भी क्या है गिवन इक्वेशन का रूट है. सो सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन इज 0 एंड माइनस थ्री. डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 आपका होमवर्क है जो आपने करके आपका होमवर्क है जो आपने करके लाना है. और डियर स्टूडेंट्स अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे ग्रुप के अंदर क्वेश्चन कर सकते हैं. अपना ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके साथ मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.